शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार करके 5 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में आरोपी भोपाल निवासी 31 वर्षीय आकाश अनिल जाधव के खिलाफ गणेशपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार करके 5 लाख रुपए की ठगी करने की घटना नागपुर के गणेशपेट पुलिस थाने में दर्ज की गई है। आरोपी भोपाल निवासी 31 वर्षीय आकाश अनिल जाधव बताया जा रहा है, जबकि पीड़ित 29 वर्षीय युवती एक अस्पताल में नर्स का काम कर रही है, ऐसी जानकारी है। पीड़ित ने शादी के लिए जीवनसाथी.com में अपनी जानकारी अपलोड की थी, तो वहीं दूसरी ओर भोपाल निवासी आकाश आवारा गर्द युवक बताया जा रहा है, जो युवतियों को झांसा देने के लिए उसने वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाया। विवाहित होते हुए भी खुद को अविवाहित बताया। उसने फरवरी महीने में युवती से संपर्क साधा और उसे खुद के रेलवे में लोको पायलट होने का झांसा दिया और शादी की इच्छा जता कर उसने युवती से कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। त्याच्यानुसार तिला आकाश जाधव नावाचा भोपालचा व्यक्ती त्यांनी ऑफर दिला की आपण लग्न करू, याच्यावर जोडलं होतं, चॅटिंग सुरू झालं। त्याच्यानंतर त्यांनी फेब्रुवारी 2022 भेटायचं ठरवलं नागपूरला। नागपूरला भेट झाली, ओयो टाउनशिपमध्ये भेट झाली गणेशपेठ हद्दीत। त्याच्यानंतर त्यांचं संबंध आला, त्याच्यानंतर परत आणखी 4 महिन्यांनी परत तसंच झालं। त्याच्यानंतर हिला वाटलं की आता इथं बदलू नये, तो लोको पायलट म्हणून सांगितलं रेल्वेचं। त्याच्यानंतर खात्री झाली तो लोको पायलट नाही, मग तो म्हणाला नाही नाही माझी बदली मी इथंच करून येतो असं म्हणून तिच्या तिला वेगवेगळ्या मार्गाने 4 ते 5 लाख रुपये मागितला आणि तिने त्याला पैसे दिले की इथंच तो सेटल होणार आहे नागपूरला। त्याच्यानंतर त्याला समजलं की हा विवाहित पुरुष आहे, तिची फसवणूक झाल्याची माहिती मिळाली। त्याच्यानंतर ती FIR केली। आपल्याला या तपासात हे एवढंच निष्पन्न झालं की अशा प्रकारे जे online.com शादी.comवरती जे अपलोड करतात, त्याच्यानंतर विवाहासंबंधी पुढे जाण्याच्या अगोदर, शारीरिक संबंध प्रस्थापित होण्याच्या अगोदर, त्यांनी आपली स्वतःची किंवा समाजाची बदनामी होऊ नये याच्यासाठी प्रत्यक्ष जाऊन खात्री करून घ्यावा लग्नाच्या आधी, जेणेकरून अशा पद्धतीचे फसवणूकपासून दूर राहतील आणि त्यांचं भविष्य उज्ज्वल राहील। जानकारी के अनुसार करीब 7-8 बार आकाश ने युवती को होटल में बुलाकर रुपए लेने के साथ ही शारीरिक संबंध भी स्थापित किए। तबादले का निर्धारित वक्त बीत जाने के बाद भी युवती आकाश पर दबाव बनाने लगी। उसके टाल मटोल रवैये और रुपए मांगने से युवती परेशान हो उठी। आखिरकार उसने गणेशपेट थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल गणेशपेट पुलिस ने भी बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। NBC News के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।